आई एम विथ यू। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम रोटेशन, प्योर रोलिंग से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझें, कंसेप्ट को समझें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। The question is, a solid sphere is set into motion on a rough horizontal surface with linear speed v in the forward direction and angular momentum v by r in the anti-clockwise direction. तो angular speed इसको anti-clockwise दिए। Find the linear speed of the sphere when it stops rotating. जब भी ये घूमना बंद हो जाएगा तो हमको उसकी स्पीड निकालनी है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा होगा ये हमको देखना चाहिए। तो एक्चुअली इस अगर स्फीयर को देखें तो यहाँ पे ये v है और ये घूम ऐसे रहा है ऐसे। तो इस पॉइंट की बात करें तो उसके पास एक तो v सेंटर मास वाला होगा, साथ में r होगा टेंजेंशियली, वो भी आगे हो जाएगा। तो नेट स्पीड हो जाएगी इस पॉइंट की r ओमेगा, है ना। और जो ग्राउंड है वो तो रेस्ट पे ही है, तो जीरो स्पीड है, तो ये हो नहीं सकता है फॉर नो स्लिपिंग। तो इट मींस कि ये पॉइंट आगे जा रहा है, फिसल रहा है और ये ग्राउंड रेस्ट पे ही है, तो यहाँ पे स्लिप कर रहा है। ये पॉइंट स्लिप करेगा तो यहाँ पे फटाफट से फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा पीछे की दिशा। ये फ्रिक्शन का काम ही है कि स्लिपिंग को अपोज करना, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को अपोज करना। तो पिछले की तरफ लग जाएगा और उसका कुछ होने का तो पूछा कि कब ये रुक जाएगा, तो रुक रहा है ऑब्वियसली गिवन। तो दो कंडीशन है कि एक तो आपके पास स्टार्टिंग में ये भी है और ये ओमेगा है और बाद में इसकी स्पीड जो है वो रुक रही है और स्पीड पता नहीं कुछ कितनी अब गिवन हो गई, क्योंकि फ्रिक्शन ऑब्वियसली इसको अपोज कर रहा है तो रोकने की कोशिश कर रहा है ना। तो ओमेगा इसका जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो काफी क्रूशियल पॉइंट है, बिकॉज इस पॉइंट पे ही इस पे सारी फोर्स एक्ट कर रही है। नॉर्मल भी नहीं लग रहा और mg भी सेंटर से पास करेगा, वो भी यहीं से पास कर रहा है, तो सारी फोर्सेस यहीं से पास कर रही है। तो अगर सारी फोर्स यहीं से पास कर रही है तो अगर मैं इस पॉइंट के बाद टॉप लिख लूँ तो टॉप जीरो आना चाहिए, बिकॉज सारी फोर्स पास करे, टॉप ही नहीं होगा। दैट मीन्स की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अबाउट पी, पी के मोमेंटम। अब इससे पहले एक चीज की आपको एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है एम वी आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी एम ओमेगा। और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म देखें तो ये होता है एम आर क्रॉस वी प्लस आई सी एम। अब जरा हम इसको समझते हैं, डायरेक्शंस को देखते हैं। तो अगर हम इनिशियल की बात करें तो एम वी इनटू इस पॉइंट की ओर देख रहे हैं तो आर परपेंडिकुलर तो यही हो गया, आर ही हो गया, रेडियस से हो गया, माइनस में आएगा यहाँ पे आई। तो ये स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर जो कि v बाय आर। अब माइनस क्यों लगाया वो समझें एक बार। एक्चुअली आप अगर आप ये निकालें आर क्रॉस v निकालें, v इधर है आर इधर है, अगर आप आर क्रॉस v निकालें तो आपको मिलेगा वो अंदर की तरफ, है ना। और अगर ओमेगा का निकालें, ओमेगा देखो अगर कोई स्फीयर ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज तो अपने फिंगर राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें आप, जहां पे थम जाएगा, थम जा रहा है अंदर की तरफ तो मतलब ओमेगा अंदर हो गया। और अगर वो ऐसे घूम रहा है तो फिर से राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें, थम बाहर की तरफ आएगा तो थम यहाँ बाहर हो जाएगा, ओमेगा यहाँ बाहर हो जाएगा। ओमेगा मुझे लगता है एक्सेस के अलावा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इस केस देखें तो ये ऐसे घूम रहा है इस तरफ, है ना, तो ये वाला केस हो गया। तो ओमेगा आएगा बाहर की तरफ, डॉट आएगा, डॉट, है ना। तो एम आर क्रॉस वी तो कॉस आ रहा था और ये जो ओमेगा वाला फैक्टर है ये डॉट आ रहा है, दोनों अपोजिट है इसलिए मैंने माइनस लगाया। ये बात आपको समझानी चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चन कर पाएंगे वाला। तो ओमेगा इज ऑलवेज एक्सियल वेक्टर। ना फाइनली इसके पास खाली v1 ही बचा, तो एम v1 आर, ओमेगा तो जीरो होगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, शुरुआत में ओमेगा v बाय r, तो दिस इज एक्चुअली v बाय r। तो आर से आर कट गए तो 3/5 एम वी आर इक्वल टू एम वी वन, वी वन इक्वल टू 3। ये हो गई कहानी। अब तो ये मोमेंट अचीव हो गया कि भाई इसने फ्रिक्शन ने लगते लगते इस बच्चे का ओमेगा ही खत्म कर दिया। लेकिन क्या काम कहानी खत्म हो गई? नहीं खत्म, अभी भी इस पॉइंट के पास खाली वी तो है ही। तो अब भी ये पॉइंट स्लिप ही कर रहा है बिकॉज स्पीड है, स्लिप कर रहा है, ग्राउंड पर भी रेस्ट पे ही है। इसका मतलब फ्रिक्शन अभी भी लगता रहेगा। ये एक मिडिल इंस्टेंट है, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन ओमेगा को अभी भी बढ़ाएगा पीछे की तरफ। तो पहले ओमेगा आगे की तरफ था, फ्रिक्शन ने करते करते जीरो कर दिया उसको, अब ओमेगा पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू करेगा और एक मोमेंट आएगा फिर कुछ स्पीड v2 हो जाएगी और ओमेगा 2 हो जाएगी और ओमेगा टू वापस वी बाय आर। अब आप इस पॉइंट की स्पीड निकालेंगे तो आपको स्पीड जीरो मिलेगी बिकॉज वेलोसिटी आगे और ओमेगा पीछे। यही फ्रिक्शन का टास्क था और इसके बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। तो अभी भी हम देखें तो सारी फोर्सेस पॉइंट से ही पास कर ली थी इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से, तो अब भी टॉर्क जीरो, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो अब शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम खाली लीनियर था, ओमेगा था ही नहीं कुछ भी, ओमेगा बस जीरो। इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, इस मोमेंट। तो एम वी वन आर, बाद में एम वी टू आर प्लस 2/5 एम स्क्वायर। इधर प्लस लगाया हमने क्योंकि एक्चुअली दोनों ही सेम है। अब निकालेंगे तो दोनों के दोनों ही अंदर की तरफ आएंगे, ये भी अंदर आएगा और ये भी अंदर आएगा। एम वी टू आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर वी टू बाय आर, इससे कट गया और ये m3 वी बाय 5 तो आ जाएगा 7/5 एम वी टू आर इक्वल टू m3 वी वन वी टू इक्वल टू 3/7। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल वाइज ट्रैक्शन समझना और उसको क्लियर करना काफी जरूरी है। और फिर से एक बार ट्रैक्शन का थोड़ा सा अंदाज देता हूँ कि अगर आपको कभी भी आर क्रॉस भी निकालना हो तो आर क्रॉस भी तो सीधा निकाला सकता है वैसे भी, कि भाई इस फॉर्म में आर क्रॉस भी निकालना हो तो वेक्टर से भी कर सकते हैं आप लोग। ये जे कैप में वेलोसिटी आई कैप में, तो जे क्रॉस आई कितना होता है, माइनस के हो जाएगा। और जो ओमेगा का है, अगर वो ऐसे घूम रहा ऑब्जेक्ट तो ओमेगा अंदर की तरफ आता, और अगर ऑब्जेक्ट उल्टा घूम रहा हो तो ओमेगा बाहर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और कोई अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछें मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।